पहला जो है तो रेलवे स्टेशन के पास एम्पायर टॉकीज से सदर चौराह से जो कटंगा रामपुर चौक से साउथ एवेन्यू माल ग्वारी घाट से गुरुद्वारा तक एक रोपवे बनाने की बात है, उसको मैंने मंजूरी दे दी है और उसका रोपवे मैं कर दूंगा। दूसरा सिविक सेंटर से मालवीय चौक लाड़गंज बड़ा फुलारा से बलदेवबाद तक इसके दोनों भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के शायद तैयार हुए हैं, इसको मंजूरी है। अब आज ही हो जाता तो भूमि पूजन कर देते थे, पर अब अगले बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ही भूमि पूजन कर देना इसका। फिर जबलपुर दमोह मार्ग के बारे में प्रहलाद पटेल जी ने मुझे बताया है, 800 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर का मार्ग हम निर्माण करेंगे, उसकी घोषणा करता हूं प्रहलाद जी, इसके भूमि पूजन के लिए उधर आऊंगा। जबलपुर दमोह मार्ग का डीपीआर का काम शुरू हो गया है और जल्दी उसका टेंडर निकालेंगे। स्थानिक लोगों की मांग पर जबलपुर आईएसबीटी से पाटन जंक्शन तक 3 किलोमीटर मार्ग को टू लेन पेव शोल्डर बनाने की भी घोषणा करता हूं। विधायक जालम सिंह पटेल जी ने नरसिंहपुर से सिंहपुर तक 10 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने की बात की, उसको भी मंजूर कर रहा हूं। नरसिंहपुर से सिंहपुर मार्ग का डीपीआर 2022 के पहले बन जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। सिवनी बालाघाट राजेगांव रायपुर कनेक्टिविटी में सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवनी से बालाघाट तक 88 किलोमीटर के मार्ग में मैं नया NH घोषित करता हूं, इससे 4 लेन ब्राउनफील्ड बनाया जाएगा। बालाघाट से राजेगांव तक 20 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का टेंडर मार्च 2023 के पहले निकल जाएगा। राजेगांव से रायपुर तक 3500 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड यानी नया रोड, ये पूरा नया रोड बनेगा और यह मार्ग बनने से भोपाल से रायपुर आने जाने में 6 घंटे से अधिक समय और बचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आज मुझे खुशी है कि मुझे बहुत लग रहा था कि इसमें अड़चने हैं, क्योंकि CRF का पैसा कैसा होगा। अब मैंने सेतु भारतम में मध्य प्रदेश के लिए 21 ब्रिजेस की घोषणा की मंजूरी कर दी है, जिसका काम अभी 3 महीने में मध्य प्रदेश में शुरू होगा, उसमें से कुछ पैसा अगर कम पड़ा तो यहाँ डाइवर्ट करेंगे। और आज ही गोपाल जी ने मुझे बताया तो 2000 करोड़ रुपये मैंने CRF के भी मंजूर कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि एलिवेटेड रोड जल्दी बन जाएगा। इसके साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है, पर ये जो फ्लाईओवर है अभी मैं जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ राकेश जी, वो थोड़े अलग है। मैं पूना में और चेन्नई में जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर से मेट्रो, ऐसा मैं एक 20,000 करोड़ का फ्लाईओवर पुणे में बना रहा हूँ और 12,000 करोड़ का चेन्नई में बना रहा हूँ। तो अभी मैं पहले ये CRF में फंस गया, नहीं तो ये जबलपुर का भी डबल डेकर बनता तो और 50 साल के लिए कोई तकलीफ नहीं, पर अभी ये बन गया है। तो एक ही पियर पर वो बनाया हमने और नागपुर में भी बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है।